पाकिस्तान के पास खाने को खाना नहीं, पाकिस्तान की जनता भूख और आतंकवादी हमलों में मर रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बताएं तो पाकिस्तान ने अपनी सेना में परमाणु बम दागने वाली तोपों को शामिल कर लिया है। हालांकि गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान इस साजिश का महज मोहरा है, बल्कि इस साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। परमाणु बम दागने वाली ये तोप पाकिस्तान को चीन की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर झेलम नदी के करीब टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचे थे। ये फायरिंग रेंज भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ उन्होंने चीन से खरीदे हुए BT-4 टैंक और लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन SH-15 का ट्रायल देखा। माना जा रहा है कि चीन की तरफ से घातक हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन न केवल पाकिस्तान को हथियार दे रहा है बल्कि उसकी मदद कर रहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को घातक ड्रोन, कम्युनिकेशन टावर लगाकर और अंडरग्राउंड केबल बिछाकर उसकी मदद की जा रही है। पाकिस्तान का आर्मी डे परेड हो या फिर किसी भी तरह का सैन्य अभ्यास, पाकिस्तानी सेना चीनी हथियारों को दिखाकर भारत को डराने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों को इस बात का अंदाजा है कि चीनी हथियारों के बल पर भारत का मुकाबला करना संभव नहीं है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान से लगती LAC पर अब जगह जगह पर SH-15 चीनी तोप दिखाई देने लगे हैं। SH-15 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना में इस तोप को साल 2021 के शुरुआत महीने में शामिल किया गया था। चीन में SH-15 को PCL-181 के नाम से जाना जाता है। ये तोप 155 mm कैलिबर वाला आर्टिलरी सिस्टम है। इसका वजन 28,000 किलोग्राम है और ये 520 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन पर चलता है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ये तोप 20 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं रॉकेट आर्टिलरी के साथ ये 53 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है। लेकिन इस तोप को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास छोटे परमाणु हथियार होने जरूरी है।